दोस्तों, आजकल एक चर्चा चल रही है और वो हिजाब को लेकर हमारे हिंदुस्तान में इस पर बहस चल रही है। अदालत का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, और कहीं इसी हिजाब को लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ और वहाँ पर मुखालफत भी शुरू हो गई। मीडिया है, दोनों चीज़ दिखा रही है, लेकिन दूसरे मुल्क को छोड़िए, हमारे मुल्क में जो हिजाब को लेकर बातें हो रही हैं, अदालत में जो बातें गईं, इसका होना ज़रूरी नहीं था। मुस्लिम पक्ष को भी चाहिए था कि वो सब्र से काम लेते और दूरअंदेशी से काम लेते, लेकिन बात जब निकली है तो जाहिर सी बात है अदालत अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद आप अफसोस करते रह जाएंगे। जहाँ तक एक आम नागरिक होने के नाते मेरा ख्याल है, स्कूल की यूनिफॉर्म हम और आप बनाते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से बनाते हैं। इस यूनिफॉर्म के डिज़ाइन कैसा होगा, कपड़े कैसे होंगे, क्या पहना जाएगा, ये तमाम चीज़ें हमारी मैनेजमेंट तैयार करती है, न कि कोई भगवान ऊपर से आदेश देता है। तो इसके अंदर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को देखते हुए तब्दीली लाई जा सकती है। अगर ये बात उठी थी कि हिजाब से परेशानी होती है, अगर उस स्कूल के अंदर पाबंदी थी तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए था, और अगर आपको हिजाब पहनकर ही जाना चाहिए था तो इस स्कूल को छोड़ देना चाहिए था। केंद्रीय विद्यालय में अभी भी हिजाब पहनने पे कोई पाबंदी नहीं है, तो क्या वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो रहा है? अगर कर्नाटक के उस स्कूल या कॉलेज के अंदर हिजाब पहनने पे पाबंदी है तो हमें या तो उसके रूल को मानना होगा या छोड़ना होगा। और जब ये बात देखें कि हमारे स्कूल के बच्चे नाराज़ हैं, पढ़ाई के बजाय इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि हिजाब पहने या न पहने, तो फिर स्कूल के मैनेजमेंट को चाहिए कि वो दूरअंदेशी के साथ एक कमिटी को बैठा लें और बात करें और फिर एक फैसला करें कि हाँ, ये पहनना है ये नहीं पहनना है। इसमें उलझने के बजाय हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, इस पर उलझा जाए, इस पर बात की जाए या इसे संभाला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये देश हित के लिए है। लेकिन इत्तफाक ये है कि आजकल हम और आप बिगड़े हुए हैं, बिना वजह की बातों में अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। देश का जो बर्बादी होना है वो तो हो ही रहा है, अदालत का वक्त भी हम बर्बाद कर रहे हैं। अदालत के पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करना है, लेकिन हम और आप ऐसी बातें लेकर चले जाते हैं जहां पर अदालत का वक्त जो कीमती होता है उसे बर्बाद कर देते हैं। हम कोशिश करना चाहते हैं कि आप संजीदगी से गौर करें, जो आपके अस्तर की बातें हैं अस्तरी तौर पर आपको तैयार करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जाकर सुलह करने की ज़रूरत है, कुछ नीचा कुछ ऊंचा सोचने और समझने की ज़रूरत है। फौरन अदालत का चक्कर लगा देना बेहतर नहीं है। अगर कर्नाटक के अंदर इस किस्म की बातें हो रही थी तो वहाँ पर जाकर उनके स्कूल के मैनेजमेंट से, शिक्षा मंत्रालय से बातें करते तो शायद कुछ रास्ता निकलता। सीधे अदालत का चला जाना और फिर उसके बाद तो अपनी जीत और अपनी हार का लोग को डंका पिटवाना ही है। लेकिन जो भी है, सिर्फ सियासत है, आम आदमी चाहता है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी शिक्षा, ताकि देश को कुछ अच्छा मिल सके, देश का नाम रोशन हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले लोग, जो हमारे और आपके जनरेशन के लोग हैं, वो इस पर गौर करेंगे और कहेंगे कि इस तरह की बातें, इस तरह के बवाल के बीच में हमें नहीं जीना है। कौन क्या पहनता है, कौन कैसे रहता है, ये उसका अपनी निजी बात है, उसको रहने दीजिए। हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी है या नहीं है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन अगर हमने बना रखा है कोई कानून, यूनिफॉर्म बना रखा है, तो उसके अंदर तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। जिस तरीके से और चीज़ों के लिए तब्दीली लाई गई है, जैसे पगड़ी पहनना या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम लेने से लोगों को नाइतफाक़ी होती है। लेकिन बहरहाल हम शिक्षा पर ध्यान दें, हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर ध्यान दें, न कि हम कौन पहनता है, कौन क्या खाता है, कौन कैसे अपने भगवान को याद करता है, इस पर विचार करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप और हम एक हैं, हमारी और आपकी सोच।